बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देसी टी वी यू एस से कश्मीर की ख़बरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत सदर डॉक्टर डॉरिफ अलवी ने अकवा मुतहदा और बरदरी पर ज़ोर दिया है कि वह भारत के गैर कानूनी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ के तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करें सदर ममलिकत ने आज इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि दस दिसंबर उन्नीस सौ अड़तालीस को अवहदा की जनरल असम्बली की तरफ से जारी किया गया इंसानी हकूक़ का आलमी अलामिया एक तारीखी दस्तावेज़ है जो इन हकूक़ की तोसीक़ करता है जिन नसल रंग मजहब जिन्स जुबान सियासी या दीगर नज़रियात कौमी या समाजी नस्बत जायदाद पैदाइश या किसी और मकाम से क़त नज़र हर इंसान हक़दार है उन्होंने कहा कि हमें मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने भाइयों को नहीं भूलना चाहिए जो भारत के मजालिम और नासाफ़ियों का शिकार हैं उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर अकवा मुतहदा और आलमी बरदरी पर जोर देता हूँ कि वह अपना किरदार अदा करें ताकि कश्मीरी भी इंसानी हक़ के आलमी अलामिया और सलामती कौंसल की करारदादों के तहत अपने तमाम हकूक से लुफानंदोज़ हो सके वजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि है कि है है इंसानी के के आलमी दिन पर हम भारत कहार कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल का जायजा लें जहां कश्मीरियों को उनके हक खुद रादियत से महरूम रखा गया है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक खुद रादियत के लिए अपनी इखलाकी सियासी और सिफारती हमायत जारी रखेगा शबाज शरीफ ने इंसानी हकूक के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि भारत ने कश्मीरियों को हक खुदरादियत से महरूम रखा है उन्होंने कहा कि हक खुदरादियत लोगों की इज्त और इनफरादी आज़ादी का नाम है लेकिन इसे दहशत गर्दी के बयानी के जरिए पामाल किया गया है फौजी कार्रवाईों के जरिए कश्मीरियों के आज़ादी के हक को कुचलने की कोशिश की गई है उन्होंने मजीद कहा कि हम कश्मीरियों के हकूक के लिए अपनी इजमाई कोशिशें जारी रखेंगे मजीद यह कि पाकिस्तान कश्मीरी

गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि 10 दिसंबर उन्नीस सौ अड़तालीस को इंसानी जारी हैं रिपोर्ट में, कहा गया कि के में, दर्ज 30 में से एक भी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को मैसर नहीं है रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय गुजशत सात दहाइयों से मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक के आलमी अलामिया की खिलाफ वर्जी कर रही है और हक खुद इरादियत का बा करने वाले हर कश्मीरी को उम्र, जिन्स का लिहाज किए बगैर बेरहमाना तरीके से कतल गिरफ्तार हिरासा कर रही हैं और तजलील का निशाना बना रही हैं भारत के गैर कानूनी कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में वादिया कश्मीर के बालाई इलाकों और लद्दाख के इलाके लहिया में हल्की बारिश हुई मकबूजा इलाके के महमा मौसमियात ने 9 दिसंबर की शाम से 10 दिसंबर तक वादिया कश्मीर के मैदानी इलाकों में एक से दो इंच और बालाई इलाकों में तकरीबन 10 इंच तक हल्की बारिश की पेशन गोई की थी महकमे के एक अफसर ने कहा कि गुलमर्ग में सिफर इशारिया छह सेंटीमीटर और लहिया में सिफर इशारिया पांच सेंटीमीटर बर्फ पड़ी है उन्होंने कहा कि सोनमर्ग और वादी के कुछ बलाई इलाकों से बर्फबारी की इत्तलात है अब तक के लिए इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट desi टीवी यूएसए